और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बरेली की तस्वीर जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो और भारी तादाद में भीड़, बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ किस तरीके से जहां से ये रोड शो निकल रहा है लोग इस रोड शो को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। फूलों की बारिश हो रही है। इससे पहले अयोध्या और फिर संत कबीर नगर और अब बरेली में गृह मंत्री अमित शाह, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, पीएम मोदी एक तरफ जनसभा दर जनसभा कर रहे हैं तो दूसरी ओर हर जिले का दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको बरेली की दिखा रहे हैं, अमित शाह का रोड शो। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और एरियल व्यू देखिए आप इस रोड शो का, किस तरीके से ट्रक पर, बड़ी सी गाड़ी पर सवार गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस दौरान भीड़, तस्वीरें आप देख सकते हैं बरेली में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एरियल व्यू जिस तरीके से देख सकते हैं ऊंचाई से ये तस्वीर जो ली जा रही है और दूसरी तस्वीर आगे बढ़ते अमित शाह का ये रोड शो और वहीं मकानों पर, छतों पर और बालकनी में खड़े लोग इस दौरान इस तस्वीर को अपनी नजरों में कैद करना चाहते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनविश्वास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बरेली में रोड शो, बरेली अहम है बेहद, रोहेलखंड का ये एक ऐसा जिला जहां हमेशा बीजेपी की कोशिश रहती है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का इफेक्ट हो, क्योंकि 2022 अगर बीजेपी ने साथ लिया तो 2024 भी आसान हो जाएगा, क्योंकि 2014 के बाद 2017 बीजेपी ने सरकार बनाई, 2019 में एक बार फिर लोकसभा की ज्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में गिरी और अब 2022 और फिर इसके बाद 2024 की बारी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हर एक जिला, हर एक विधानसभा क्षेत्र किस लिए, बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह जो कि पश्चिमी यूपी में मजबूत स्थिति बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो दूसरी ओर हर एक जिले का दौरा, अवध का इलाका हो, रोहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल, हर जगह जाने की कोशिश रही है, आगे भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो बरेली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए रोड शो आगे बढ़ता हुआ, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह, लोगों की भीड़, गाड़ियों का काफिला पीछे पीछे इस ट्रक के आप देख सकते हैं। गृह मंत्री के साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और पुष्प वर्षा भी की जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, अभिवादन किस तरीके से स्वीकार किया जा रहा है, मोबाइल की लाइट से आप समझ सकते हैं कि इस तस्वीर को अपने मोबाइल में लोग किस तरीके से कैद करना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आपको बरेली किस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि कल ही मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहा यूपी दौरे के लेकर, न्यूज स्टेट ने आपको बताया और ये भी बताया था कि बरेली में रोड शो करेंगे, उसकी तस्वीर अब आ चुकी है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, तो बरेली से ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये टी पॉइंट आप देखिए किस तरीके से खचाखच ये पूरी की पूरी सड़क भरी हुई है, यहां तक कि लोग जो मकान सड़क के दोनों तरफ है वहां खड़े, अपने छतों पर खड़े हैं, बालकनी में, सड़क पर खड़े हैं, हर एक तस्वीर के गवाह बनना चाहते हैं बरेली वासी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देखिए और जो एरियल व्यू है आप देखिए और समझिए किस तरीके से रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं और लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही है।
पीएम मोदी एक बार फिर क्रांति की धरती यानी कि मेरठ से खेल क्रांति करने जा रहे हैं। ये खेल क्रांति 22 के महासमर में बीजेपी की चुनावी रणनीति की क्रांति भी साबित हो सकती है। खेल क्रांति के जरिए आखिर बीजेपी का क्या सियासी खेल है, कैसे पीएम मोदी इस खेल की रणनीति को साधेंगे। इसके महासमर में पश्चिम की सियासत को साधने के लिए पीएम मोदी क्रांति धरा से खेल क्रांति का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी 2 जनवरी को मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी यूपी को खेलों की दिशा में आगे बढ़ाने को लेकर ये कारगर कदम होगा। सरधना कस्बे के सलावा और कैली गाँव में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपया की जा रही है। खेल संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का एक खास प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यूनिवर्सिटी आधुनिक और उत्कृष्ट खेल संरचना से लैस होगी। सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल जैसी सुविधाएं होगी। इसके अलावा निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देने की सुविधाओं को भी जगह दी जाएगी। 540 महिला 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1,080 खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। माना जा रहा कि मेरठ के बाद प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर या फिर बड़ौत में रैली कर सकते हैं। दोनों ही जगह किसान आंदोलन का केंद्र रही हैं और ऐसे में चुनावी घोषणा के बाद ये पीएम का बड़ा दांव होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो 2 जनवरी को पीएम मेरठ में रहेंगे तो वहीं 3 जनवरी को बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का समापन भी होना है। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने अयोध्या में जनविश्वास रैली को संबोधित किया। जनविश्वास रैली में शाह ने जहां अखिलेश और विरोधी दलों पर निशाना साधा तो वहीं योगी सरकार के कामों का बखान भी जमकर किया। अयोध्या में दर्शन और विश्वास, शाह का भरोसा है जनार्दन 22 में कल्याण करेंगे। देखा जाए तो अयोध्या का दौरा, अमित शाह का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अयोध्या हमेशा से ही भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर रही है। और अगर हम 2017 के बाद की बात करें तो 2017 के बाद जब सीएम योगी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि सरकार की प्राथमिकताओं में अगर कोई शहर सबसे ऊपर है, कोई नगर सबसे ऊपर है तो वो है अयोध्या नगरी। और 2017 में चूंकि देखा जाए तो अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था, वैसे में एक बार फिर से भाजपा की यही कोशिश है कि एक बार फिर से अयोध्या की 5 सीटों पर कब्जा किया जाए। जन विश्वास रैली में शामिल होने अयोध्या पहुंचे शाह ने राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी प्रदर्शनी का जायजा लिया। इसके बाद शाह हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, पूजा अर्चना की। अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना भाई कार सेवकों का दोष क्या था, आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई, कार सेवकों का दोष क्या था, आपने क्यों संतों पर डंडे बरसाए। अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना, ना धारा 370 वापिस आने वाली है ना ट्रिपल तलाक। बीजेपी के चुनावी चाणक्य भगवान के दर्शन के बाद जनता जनार्दन के दर्शन करने पहुंचे। जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे, आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं, मित्रों भाग रहे हैं। पहले माफियाओं से पुलिस लड़ती थी, आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है, ये परिवर्तन आया है। शाह की रैली में बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है। मन से बात विकास की होगी,
धर्म का दर्शन संकेतों के जरिए होगा। जनता का विश्वास और विपक्ष पर सीधा हमला 22 में फतह दिलाएगा। बीजेपी और अमित शाह इसी रणनीति को साध रहे हैं। ऐसे में 22 का महासमर तय करेगा राम किसका बेड़ा पार करेंगे। आज अमित शाह ने अयोध्या में जहां एक तरफ अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों के सामने रखा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों पर अमित शाह ने इस रैली के माध्यम से जमकर हमला बोला। वीडियो न्यूज श्रीखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। एक तरफ मंदिर की महाभारत है तो दूसरी तरफ रेड पर राजनीति। पीयूष जैन की रेट का मसला थमा नहीं। की रेट के रडार पर SPMLC पप्पी जैन के ठिकाने भी आ गए। देश भर में पप्पी जैन के करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी अब आमने सामने है। पत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर 6 दिन तक GST टीम की छापेमारी। छापेमारी मिली अकूत दौलत और फिर इस पर सियासत। वार पलटवार थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के MLC और समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी पुष्पराज जैन आयकर विभाग के निशाने पर आ गए। सिर्फ कन्नौज ही नहीं, कानपुर, आगरा, मुंबई तमाम ऐसे दफ्तर हैं जहां पर पुष्पराज जैन के का कारोबार होता है इत्र से जुड़ा हुआ। उन कारोबार के जो दफ्तर हैं, जो पुष्पराज जैन के घर हैं, वहां पर लगातार आज ये जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और अखिलेश यादव भी कन्नौज में हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा कि सरकार अपनी जो नाकामी है उनको छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है और समाजवादी पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनको तंग कर रही है। जहाँ पीयूष जैन का कनेक्शन CM योगी हर रैली में समाजवादी पार्टी से बता रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, तो अखिलेश ने इसे बीजेपी की छापेमारी में मिस्टेक करार दिया। पीयूष जैन को बीजेपी का आदमी बता दिया। अब आयकर विभाग ने MLC पुष्पराज जैन पंपी के घर धावा बोल दिया। समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे गरीब का पैसा हड़प जाते थे और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। JCB लगा करके पैसा निकाला जा रहा है। छापा मारने पर समाजवादी के हैं, कंप्यूटर ने छापा मार दिया बीजेपी के हैं। समाजवादी का नाम है पुष्पराज जैन, जिन्होंने इत्र बनाया और जिनके यहाँ छापा पड़ करके पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का है पैसा, वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा। कानपुर, कन्नौज, हाथरस समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर फिर निशाना साधा। बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता से अखिलेश की जनसभाओं में आने वाले अपार जनसमूह को देख के घबरा गई। अब ये हताश हैं, निराश हैं, लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। रेड केवल यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर भी पंपी जैन के कई ठिकानों पर की गई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश भर में फैले पंपी के कारोबार पर IT की नजर पड़ गई। करीब 50 जगहों पर आयकर ने छापेमारी की। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी पूर्णतः गंभीर दल है, किसी भी प्रकार के ED और इनकम टैक्स के छापे से कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नंबर एक, वो उनका अपना काम है और कहीं छापा डालने से पहले 6 महीने पहले से तैयारी की जाती है। आज की तैयारी पर अचानक कोई छापा मारने नहीं चला जाता है। दूसरी बात है, कन्नौज में इतना सामान निकला देश की जनता ने देखा और संसार ने देखा है। इसके बाद अगर वहां से कुछ जानकारी मिली होगी, आगे कार्रवाई हो रही है, तो अखिलेश यादव बौखला रहे हैं, भाजपा नहीं बौखला रही है। 22 के महासभा में छापेमारी पर सियासत भारी हो रही है। जहां पीयूष जैन से हुई रिकवरी को GST की टीम ने टर्नओवर करार दिया है, ऐसे में अखिलेश के बयान के बाद पम्मी जैन को रडार पर लेने के बाद राजनीति और भी गर्म होना तेज है। टीम न्यूज स्टेट। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर।